जो भगवान के बड़े निकट के भक्त होते हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं, जो भगवान के बड़े निकट के भक्त हैं, जो दूर दराज के भक्त होते हैं भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेते ना। जैसे कहीं को डर लगता है, कहते हैं हम भक्त बन गए तो प्रभु ने हमारी परीक्षा ले ली तू। नहीं जी, आप इतने महान नहीं हैं कि प्रभु आपकी परीक्षा लें। हमारी परीक्षा तो हमारे कर्मों के फल ले रहे हैं, उन्हीं के दुख में डूबे रहते हैं। कहते हैं पता नहीं भगवान को हमें दुख देखे क्या मिलता है। अरे भगवान बाबा, ये कोई कम दिमाग वाला व्यक्ति जो ऊपर बैठा है कि चलो इनको दुख देते हैं। काम धाम तो मेरे को कोई है नहीं, नौकरी मेरी लगी नहीं भगवान की, तो भगवान क्या करें फिर हमको दुख देते रहते हैं। नहीं, ये जो दुख है ये हमारे कर्मों के फल हैं। भगवान की परीक्षा लेंगे, हमारे कर्म ही हमारी परीक्षा लेकर के ऐसी तैसी कर देते हैं हमारी। जब कर्मों की परीक्षा कोई पार कर लेता है तो नेक्स्ट परीक्षा लेती है माया। कहते चलो जी, अच्छा लेवल वन पार कर लिया हमने, वेरी गुड। लेवल टू माया परीक्षा लेती है, सुख दे करके परीक्षा लेती है संतों की। ऐसा यश फैलेगा, खूब सुख समृद्धि। तो जो भक्त होता है सुख में खो जाता है कभी कभी, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है दुखों में भी भगवान के चरणों को पकड़ा रहता है और सुखों में भी भगवान के चरणों को पकड़ा रहता है। भगवान कहते हैं अच्छा, ओ कर्मों के फल वाली परीक्षा ही पार कर ली, माया की परीक्षा ही पार कर ली। भगवान कहते चलो ठीक है, अब मैं परीक्षा लेता हूँ। फिर भगवान परीक्षा लेते हैं। ये बड़ी ऊंची बात है वास्तव में कि भगवान परीक्षा लें, भगवान किसी को परीक्षा में डालें, बहुत ऊंची बात है। तो इसलिए हमको नहीं डरना चाहिए कि भगवान की भक्ति करेंगे फिर ऐसा होगा भगवान ने हमारी परीक्षा ले ली तो फिर क्या होगा। तो नहीं, आप हम इतने महान नहीं कि प्रभु हमारी परीक्षा लें। हम तो लेवल वन में ही, हमें से 99.99% लोग तो लेवल वन में ही अटके होते हैं, दुखों में घूमे होते हैं। अरे इतना दुख है बताओ, नाम लिया कुछ हुआ क्या? तो फिर नाम लें या ना लें। तो ज्यादातर लोगों का तो यही हाल है, 99.99% का इक्का दुक्का को 0.01 होता है। तो माया कहती चल अब मैं तेरी परीक्षा लेती हूँ। तो कहाँ कोई पहुंचेगा जिसकी प्रभु परीक्षा लेंगे वास्तव में। तो अपने बेस्ट स्टूडेंट की जैसे परीक्षा जैसे टीचर लेता है, उसी प्रकार से अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त की परीक्षा भगवान ने की।